आखिरकार कोर्ट का वो फैसला ही गया जिसका इंतजार चारू और राजीव के फैंस बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। कोर्ट में आज चारू असोपा और राजीव सेन के तलाक की आखिरी सुनवाई थी, जिसके बाद फाइनली चारू और राजीव का तलाक हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा और सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन का तलाक हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स दोनों के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पिछले लंबे टाइम से राजीव और चारू अपनी पर्सनल जिंदगी में आए तूफान के चलते लोगों की जुबान पर थे। अब दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका है। राजीव ने तलाक के बाद सोशल मीडिया पर डिवोर्स को लेकर एक नोट भी लिखा। इसके साथ ही बेटी जियाना का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया कि वो दोनों साथ मिलकर बेटी जियाना के मिलकर परवरिश करते रहेंगे। राजीव सेन और चारू असोपा के तलाक की आखिरी सुनवाई आज यानी कि 8 जून को हुई। यहां दोनों का ऑफिशियली तलाक हो चुका है। तलाक पर राजीव सेन ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ, उनका तलाक हो गया। इसी के साथ राजीव सेन ने इंस्टाग्राम पर एक नोट भी शेयर किया। राजीव सेन ने तलाक के बाद लिखा, जिंदगी में कोई गुड बाय नहीं होता, सिर्फ दो लोग हैं जो एक दूसरे को संभाल नहीं पाए तो अलग हो गए, मगर हम लोग मम्मी पापा बनकर अपनी बेटी के लिए हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। सुष्मिता सेन के भाई ने एक्स वाइफ चारू असोपा के साथ और बेटी के साथ वाली फोटो को शेयर करते हुए ये बात कही है। आपको बता दें, राजीव और चारू के बीच पिछले काफी टाइम से उतार चढ़ाव चल रहा था। दोनों ने रिश्ते को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अपने रिश्ते को नहीं बचा पाए और आज यानी कि 8 जून को दोनों का फाइनली डिवोर्स हो गया। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।